और बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल पर कोरोना का साया है, तो गुजरात में गरबा पर गरबा वाला जोश और उत्साह इसलिए गायब है क्योंकि डांडिया गरबा ग्राउंड में नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में खेला जा रहा है। आखिर कोरोना से बचने का सवाल जो है, कोरोना के कहर ने गरबा के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा रखी है, लेकिन कोई ऐसा वायरस नहीं जो गरबा के जज्बे पर रोक लगा सके। माना कि गरबा में अब की बार पिछले साल वाला सुहाना नजारा नहीं है, लेकिन वो एहसास तो आज भी है कि थिरकते कदमों और हाथों में सजे डांडिया पर एक संस्कृति कैसे संवरती है। गरबा नहीं हो रहा है, आप लोग क्या करेंगे? बस हम इस तरह से इकट्ठा होके उसको ये सेलिब्रेशन करेंगे और उसका एंजॉय करेंगे, पर गरबा घर में भी ज़रूर करेंगे। और वो घर में ही हमने प्रिपरेशन कर दी है और उस चीज़ के लिए हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है, जो वड़ील है, उन्होंने बहुत हमें हेल्प की है। कोरोना की वजह से इस साल गरबा तो नहीं हो रहा है, लेकिन गरबा का जो शौक है वो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे अहमदाबाद की जो महिलाएं हैं वो अपने घर में गरबा खेल कर पूरा कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये घर के अंदर गरबा खेला जा रहा है, टीवी पे डिजिटल गरबा यहाँ पे बजाया जा रहा है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।